हेलो मंजीत सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और बताओ क्या हो रहा है? बहुत अच्छी। चलो देखो मंजीत सर, हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ मिनट आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि आप एक अच्छे नेटवर्कर हैं, नेटवर्किंग की बहुत अच्छी नॉलेज है आपको, और सर थोड़ा बहुत नॉलेज तो मुझे भी है, तो मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसा आप भी जानते हैं मजी सर, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का एक बेस्ट बिजनेस है। बिल्कुल सर। सारी दुनिया इस बिजनेस में अपना फ्यूचर देख रही है। बिल्कुल सर। दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये बोलते हैं कि ये वर्ल्ड का फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग। बिल्कुल। इवन आपने, आपको पता होगा कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, अमर्त्य सेन, उन्होंने ये बोला है कि अगर हिंदुस्तान की बेरोजगारी कोई बिजनेस खत्म कर सकता है तो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। कहने का मतलब है सारी दुनिया डायरेक्ट सेलिंग को बेस्ट बिजनेस बता रही है, डायरेक्ट सेलिंग को वर्ल्ड का फ्यूचर बता रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा क्यों है, और इस क्यों, इस सवाल का जवाब जानना मैं सोचता हूं हर नेटवर्कर को जरूरी है। और वो सवाल क्या है सर? वो सवाल ये है कि सारी दुनिया के बेस्ट बिजनेस बताने के बावजूद, डायरेक्ट सेलिंग में सारी दुनिया को फ्यूचर देखने के बावजूद, हिंदुस्तान के अंदर आज भी इस बिजनेस की कोई सामाजिक रेस्पेक्ट क्यों नहीं है? क्यों लोग आज इस बिजनेस को हिंदुस्तान के अंदर कैरियर के रूप में नहीं देखते हैं? क्यों लोग आज भी हमारा झोला देखते, हमारा बैग देखते सोचते हैं कि मुझे लूटने आ गए, मुझे काटने आ गया, और बचने लगते हैं? सर क्यों आज भी अगर बंदा नौकरी से 10,000 रुपए महीना कमाता है, शादी में बुलेट मोटरसाइकिल मिल जाती है, लेकिन अगर बंदा डायरेक्ट सेलिंग से 1,00,000 रुपए महीना कमाता है, घर से रिश्ते वाले लौट जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो सर इसी चीज के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसा हम बात कर रहे थे मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग सही शब्दों में क्या है सर? एक बिजनेस है जी। बिजनेस, और बिजनेस का मतलब क्या होता है? सेल, बेचना। कोई भी चीज उसको बेचना, वही बिजनेस है, वही सेल है। और अगर हम सेल की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? एडवांस वर्जन ऑफ सेल, सेल का एक एडवांस वर्जन है, और ये स्पेशल कुछ भी नहीं है। जैसे पुराने समय की हम बात करें तो सेल करने के लिए क्या होता था? मेले लगते थे, हाट लगती थी, फिर दुकानें आई, धीरे धीरे फ्रेंचाइजी सिस्टम आया। मैकडॉनल्ड ने अपनी फ्रेंचाइजी पूरी दुनिया में फैला रखी है, टाटा की फ्रेंचाइजी ले लो, लुइस फिलिप की फ्रेंचाइजी ले लो, ये सब फ्रेंचाइजी सिस्टम है। लेकिन फिर एक दुनिया में एक नए बिजनेस की शुरुआत हुई, लोगों को पता चले गया फ्रेंचाइजी की एक लिमिट है, फिर एक नए बिजनेस की शुरुआत हुई जिसका नाम रखा डायरेक्ट सेलिंग, जिसके अंदर कस्टमर को ही अपना सेल्स का करने का अधिकार दे दिया जाता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। कहने का मतलब है कोई स्पेशल बिजनेस नहीं है, सेल्स का एक एडवांस वर्जन है डायरेक्ट सेलिंग। हम बात कर रहे थे सेल्स की। सेल्स के अंदर मुझे सर दो लोग होते हैं, एक तो होता है यूजर जी, जो प्रोडक्ट यूज करता है, और एक होता है सेल्समैन, या जिसे हम नेटवर्कर भी बोलते हैं। सेल क्या होता है सर? प्रोडक्ट, और इन दोनों का फ्यूचर प्रोडक्ट पे टिका होता है। ये दोनों किस पे डिपेंड है? प्रोडक्ट के ऊपर। अगर यूजर की बात करें तो आप जानते हो यूजर जो होता है सेल इंडस्ट्री में, वो मोर देन 95% होता है, 95% से ज्यादा यूजर होता है। अगर हम सेल्समैन की या नेटवर्कर की बात करें तो नेटवर्कर जो हो जाए वो लेस देन 5% होता है, 5% से कम। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज का प्रोडक्ट है, कस्टमर को उसकी नीड है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है, और उस प्रोडक्ट की वर्थ भी कस्टमर को मिल रही है, मंजीत सर अगर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट में ये चार खासियत खूबियां है जी सर, वो कंपनी 2 साल नहीं 2,000 साल भी बंद नहीं होगी। बराबर। अब सोचने वाली बात यह है कि हमने जहां भी काम किया सर, सोच के देखो जो प्रोडक्ट आपने सेल किया था क्या उसमें ये सारी खूबियां थी? पिछले 8-10 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या हुआ कि जो लोग इस बिजनेस को समझ गए, इसकी ताकत को समझ गए, इसकी पावर को समझ गए, इसकी खूबसूरती को समझ गए, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए, उन लोगों ने अपनी अपनी कंपनियां खोल ली, और दुनिया के घटिया से घटिया प्रोडक्ट जो नो यूज था, नो नीड था, नो क्वालिटी थी, उसकी वर्थ नहीं थी, वो उसमें शामिल कर लिए।
ऐसे प्रोडक्ट, अरे 200 रुपए के सूट लेंथ 5,000 में बेचे गए सर, 20-20 रुपए के पेंडेंट, ये कार्ड जो होते हैं ये 4,700-4,700 रुपए में बेचे गए सर। ये हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। अगर हमने किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया जिसका प्रोडक्ट नो यूज, नो नीड, नो क्वालिटी, नो वर्थ था, और हमने 100 लोगों को अपना प्रोडक्ट दिया, मानो आपने अपने गांव में गए और 100 लोगों को प्रोडक्ट दिया, किसको दिया? नियर एंड डियर को। क्यों सर? क्योंकि ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है, पहले नियर डियर के पास जाओ और अपने 100 नियर और डियर, चाचा ताऊ मामा फूफा रिलेटिव्स को आपने घटिया प्रोडक्ट छेपा। इसमें से पैसा कमाने वाले कितने थे? 5% लोग, 5 लोग। ये तो आपकी जय बोलेंगे, बढ़िया बताएंगे, खुदा बताएंगे, गुरु बताएंगे, क्योंकि पैसा कमा रहे हैं। लेकिन सर ये भी तब तक बताएंगे तब तक कमा रहे हैं। लेकिन ये 95 लोग जिनको तुम्हारी करोड़ों की इनकम, जिनको तुम्हारे बड़े बड़े सपने, जिनको तुम्हारी गाड़ी घोड़े, जिनको तुम्हारे विदेश टूरों से कोई मतलब नहीं था, इन्हें मतलब था सिर्फ प्रोडक्ट से, और इनको तुम घटिया प्रोडक्ट चेप के आगे मंजी, सर मुझे बताएंगे क्या बताएंगे? सर ये गाली ही देंगे, ये चोर ही बताएंगे, ये ठग बताएंगे, लुटेरा बताएंगे, सर ये काम किया है हमने, गाली खाने का काम किया है हमने, इसलिए गालियां मिली है। ये रीजन हुआ है। नेगेटिव बोलने वाले कितने लोग हुए? 95 लोग। पॉजिटिव बोलने वाले कितने हुए? 5 लोग। रेशियो किसका ज्यादा है? यही कारण है सर आज हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को नेगेटिव नजरों से देखा जाता है। कारण कहीं ना कहीं हमने ये काम किया है। लेकिन सर सवाल यहाँ पे एक और आता है, क्या आप अपने चाचा ताऊ मामा फूफा दोस्त को लूटना चाहते थे? नहीं। फिर ऐसा काम किया ही क्यों? ऐसी कंपनी की ही क्यों हमने? डे वन, फर्स्ट डे याद करो मंजी सर, जिस दिन पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग सामने आता है, उस दिन क्या है, ऐसे समझ लो जैसे भूखे इंसान के सामने, 3 दिन से भूखे इंसान के सामने रोटी आ गई हो सर, ना वो चुपड़ी हुई देखता है, ना वो सब्जी देखता है, ना वो दाल देखता है, ना वो पनीर देखता है, वो चुपचाप उस रोटी को खाके अपनी भूख शांत करता है। ऐसे ही एक इंसान अपनी जिंदगी में खेती करके, नौकरी करके, दुकान करके, दुनिया भर के सारे ट्रेडिशनल काम करके थक चुका होता है, और उसे विश्वास हो जाता है भाई जरूरत पूरी हो सकती है, सपने पूरे नहीं हो सकते। अचानक कोई इंसान डायरेक्ट सेलिंग लेके आता है और उसके अंदर एक ही बात बताता है, भाई ये देख ऐसे सपने पूरे हो सकते हैं। सर उस दिन मैं और आप ना प्रोडक्ट देखते, ना कंपनी देखते, ना प्लान देखते, ना कुछ देखते, सिर्फ एक चीज देखते, भाई यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं। और इसी सपने पूरे करने की चाहत में हम निकल पड़ते हैं बैग लेके और 100 लोगों को अपना एक घटिया प्रोडक्ट चेप के आ जाते हैं, और बाद में फिर गाली खानी पड़ती है, लोग हमारा फोन उठाना बंद करते हैं, रिश्ते खराब होते हैं, और फिर हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का बड़ा बेकार बिजनेस है। लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग बेकार नहीं है, ये तरीका बेकार है। अगर आपने इन 95 लोगों को प्रोडक्ट दिया था, अगर ये प्रोडक्ट बढ़िया होता, अगर ये यूज का प्रोडक्ट होता, कस्टमर को नीड होती, उसकी क्वालिटी भी होती और उसको उसकी वर्थ मिल गई होती, क्या वो बंदा गाली देता सर? नहीं देता सर। आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यही हुआ है और यही रीजन है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोग नाराज है। लेकिन सर एक संस्था आई, ऐसे माहौल में एक संस्था आई जिसका नाम है AWPL, एसलीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और ये जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के सवाल थे, क्यों लोग नेगेटिव हैं, क्यों लोग गालियां देते हैं, क्यों लोग उसको कैरियर नहीं समझते, सर हमारी संस्था कुछ भी नहीं है, इन सब का जवाब है AWPL, इन सब का जवाब है SLEPS Wellness Private, जो अगले 20 से 25 मिनट में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ।